प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए जापान के ओसाका पहुंच गए हैं। बुधवार देर रात प्रधानमंत्री नई दिल्ली से ओसाका के लिए रवाना हुए और आज सुबह वो ओसाका पहुंचे। प्रधानमंत्री आज यहां पर जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। शुक्रवार को G20 समिट में बैठकें शुरू होंगी। वहीं साथ ही उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी होनी है। ईरान संकट, आतंकवाद के मुद्दों को लेकर गहराए संकट के बीच ओसाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होनी है। ये मुलाकात शुक्रवार को होगी। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये मुलाकात तब हो रही है जब अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो 2 दिवसीय भारत दौरे पर थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अलावा पीएम मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के इस बड़े मंच पर आतंकवाद का मुद्दा उठा सकते हैं। आतंकवाद के अलावा फ्री ट्रेड, डिजिटल डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी इन बैठकों में चर्चा होनी है। पीएम मोदी ने जापान जाने से पहले एक बयान भी जारी किया था जिसमें उन्होंने अपने एजेंडे को सामने रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। इस दौरे में प्रधानमंत्री करीब 10 द्विपक्षीय वार्ताएं करेंगे जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात भी शामिल है। इस G20 समिट की थीम ह्यूमन सेंटर्ड फ्यूचर है।